डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने जो बात करी थी वो था हाइब्रिड इनहेरिटेंस, मतलब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमने सारे कंप्लीट कर लिए। पिछले सारे वीडियोस को देखने के लिए भी आप आई बटन पर प्रेस करके देख सकते हैं, एक एक करके आप वहाँ तक पहुँचते रहेंगे। सारे टाइप्स खत्म हो गए। अब जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस। अल्टीमेटली मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था कि डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर या क्या कहते हैं बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, तो मैंने यहाँ टॉपिक का कॉमन नेम दे दिया कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर मेरे बेस क्लास के भी होंगे, कुछ डिराइव्ड क्लास के भी होंगे, तो ये कैसे चलेंगे ये बात पे ध्यान देने की बात है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जब बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनेगा और डिराइव्ड क्लास बनी होगी और डिराइव्ड का बनेगा ऑब्जेक्ट, तो कंस्ट्रक्टर चलेगा किसका? ऑब्जेक्ट जिसका बनता है उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर चलता है, लॉजिकली। ये बात हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ाते टाइम पे बताइए आपको। अब बात आई फिर बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा, बस यही कॉन्सेप्ट इस वीडियो का उद्देश्य है, ठीक है? तो लेके चलते हैं कि जिस समय पे कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में चलेंगे तो हमारे दो केस होंगे, एक तो होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स और एक होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इन दोनों को कैसे चलाते हैं मैं आपको बोर्ड पे पहले लेके चलता हूं और दिखाता हूं। देखो बोर्ड पे आपके सामने बने हुए हैं, यहाँ पे एक तो बेस क्लास है और बेस क्लास के अंदर एक मैंने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर बेस बनाया है, जो डिफॉल्ट क्यों है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, विदाउट पैरामीटर है, ठीक है? एक डिराइव्ड वन क्लास बनाइए, एक डिराइव्ड टू क्लास बनाइए, दोनों क्या हो रही है, ये हायरार्कीकल इनहेरिटेंस हो रही है। डिराइव्ड वन का कंस्ट्रक्टर ये है, डिराइव्ड टू का कंस्ट्रक्टर ये है, ठीक है? अच्छे से समझ में आता है। एक क्लास डिराइव थ्री बनाइए जो डिराइव वन को इनहेरिट करती है, यानी कि बेस डिराइव वन डिराइव थ्री, ये क्या हो गया, ये मल्टी लेवल हो गया। तो इस तरह से इन सब के अगर कंस्ट्रक्टर चलते हुए आपको समझ में आ जाएंगे तो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं बात करूं अगर डिराइव थ्री का, अगर ऑब्जेक्ट बनाऊं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा। देखो कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो ऑब्वियसली अपनी क्लास का चलेगा, और जब अपनी क्लास का चलेगा तो फिर ऊपर के तो कभी नहीं। लेकिन जब केस डिफॉल्ट क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का होता है तो देखो मैं आपको बताता हूं कि वो ना एक तरह से ऐसे समझो जैसे एक बच्चा अपने पिताजी को इज्जत देता है और पिताजी अपने पिताजी को इज्जत देते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो सीट दी जाती है, जैसे किसी को बैठने के लिए कहा जाए तो बेटा अपने पिताजी से कहेगा और पिताजी अपने पिताजी यानी कि दादाजी सबसे पहले बैठेंगे। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो ये होगा, डिराइव थ्री का कंस्ट्रक्टर चलेगा लेकिन डिराइव थ्री डिराइव वन को इज्जत देगा और क्या करेगा, डिराइव वन के कंस्ट्रक्टर को चलने के लिए अलाउ करेगा और डिराइव वन का कंस्ट्रक्टर बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलने के लिए अलाउ करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड, देन डिराइव वन, देन डिराइव थ्री। अब बात आती है डिराइव टू का ऑब्जेक्ट बनता, तो डिराइव टू का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो किसको चलाएगा, अपने को, लेकिन अपना वाला इज्जत देता है किसको, बेस को। तो सबसे पहले चलेगा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर, देन चलेगा डिराइव टू का कंस्ट्रक्टर। बस इसको मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं, प्रोग्राम लेके दिखाता हूं। तो देखो यहां पे स्क्रीन पे अब आपको प्रोग्राम दिख रहा है, बेस क्लास में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, यहां पे कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास। डिराइव वन के अंदर जो इनहेरिट किसको कर रहा है, बेस को, इसका मतलब डिराइव वन का कंस्ट्रक्टर चलेगा। अब फिर डिराइव टू के अंदर मैंने किसको इनहेरिट किया है, बेस को, तो इसके डिराइव टू के अंदर कंस्ट्रक्टर डिराइव टू का बनाया है, बिल्कुल सबके लिए मैसेज दिए हैं सिर्फ। अच्छा डिराइव थ्री की बात आई तो इसका कंस्ट्रक्टर डिराइव थ्री का कंस्ट्रक्टर है लेकिन यहां पे इनहेरिट किसको कर रहा है, डिराइव वन को। तो यानी कि बेस डिराइव वन और डिराइव थ्री और बेस और डिराइव टू, ऐसे करके। अब बात आती है ऑब्जेक्ट बनाने की, तो जिस समय पे जब एक ऑब्जेक्ट डिराइव थ्री का क्रिएट हो रहा होगा, मैंने यहां एक मैसेज भी दिया है और उसके नीचे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कंस्ट्रक्टर चल जाता है। तो डिराइव थ्री का कंस्ट्रक्टर चलेगा, ड्राइव थ्री किसको, ड्राइव टू को, ड्राइव वन को कहेगा और ड्राइव वन किसको कहेगा, ड्राइव बेस को कहेगा। तो इस तरह से बेस डिराइव वन और डिराइव थ्री ऐसे चलेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की, इवन डिराइव टू का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया जा रहा हो, तो डिराइव टू का ऑब्जेक्ट बना तो डिराइव टू का कंस्ट्रक्टर बेस को कहेगा और बेस का कंस्ट्रक्टर चलने के बाद डिराइव टू का चलेगा। बस ये सीक्वेंस मेरे को समझाना था जो आपके समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूं। देखो
इस समय पे जब आउटपुट देख रहे हैं तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डिराइव थ्री क्लास का जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो बेस का कंस्ट्रक्टर, डिराइव वन का, फिर डिराइव थ्री का, यानी कि उल्टा सीक्वेंस चलता है। अच्छा, डिराइव टू का जब कंस्ट्रक्टर चल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो डिराइव बेस क्लास का, फिर डिराइव टू का कंस्ट्रक्टर चला। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम दिखानी है मुझे, होता क्या है। देखो केस वन तो बिल्कुल क्लियर है, एकदम आराम से चल रहा है। अब बात केस टू की करेंगे तो केस टू में क्या होता है। केस टू में मुझे यह बताना है जब कंस्ट्रक्टर्स पैरामीटराइज्ड होते हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, उनके लिए जरा बात करेंगे। अब मैंने बोर्ड पे आपको दिखाना है केस टू। केस टू में जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होते हैं तो कैसे चलता है। तो देखो पैरामीटराइज इज्जत बिल्कुल वैसे ही देंगे जैसे डिफॉल्ट में देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि कंस्ट्रक्टर को जब आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं तो जरूरी नहीं तीनों में, चारों में, सब में एक ही बराबर आर्ग्यूमेंट हो, कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिक कॉल होता है, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स को कॉल किया जाता है, और वो कॉल कैसे किया जाता है इसको मेरे को दिखाना है। तो एग्जाम्पल तो मैंने बोर्ड पे जो दिखा रखा है वो बिल्कुल वैसे ही है, बस एक एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है और आपको ये दिखाना है मुझे। तो अब जब यहां पे बात करते हैं तो प्रोग्राम की बात करते हैं, तो प्रोग्राम में देखो जिस समय पे आर्ग्यूमेंट एक एक है, मैं यहां से प्रॉब्लम दिखाना चाहता हूं क्योंकि एरर दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये मैं कुछ लाइनें यहां से हटा रहा हूं। देखो इस समय पे प्रोग्राम बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बस फर्क जो है वो मैं आपको समझाता हूं। एक तो आर्ग्यूमेंट आ गया है, आर्ग्यूमेंट आ गया तो मैसेज प्रिंट करने के बजाय कंस्ट्रक्टर का काम हो गया इनिशियलाइज करना। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है और नीचे तीसरी सब क्लासेस में एक ही काम हो रहा है। अब बात आती है तो इनको आउटपुट कैसे शो करोगे, आउटपुट भी तो शो करना है एक्स की जो इनिशियलाइज वैल्यू हुई है। तो देखो शो एक फंक्शन बनाया जिसमें एक्स की वैल्यू को शो प्रिंट किया गया है, इसमें वाई की वैल्यू को प्रिंट किया गया है और बेस के शो को कॉल किया। ये तो मैंने आपको जब मैंने ओवरराइडिंग पढ़ाई तो उसमें कैसे करते हैं ये बताई दिया है, कैसे फंक्शन कॉल होते हैं। ओवरराइडिंग फंक्शन शो एक ओवरराइडिंग फंक्शन है, ठीक है। आप यहां पे इस शो में मैंने शो को कॉल किया बेस का और क्या किया जेड को प्रिंट किया, यहां पे प्रिंट किया मैंने डब्ल्यू को और यहां पे डिराइव वन का शो कॉल कर दिया। यानी कि सब में वेरिएबल अलग अलग हैं और सब में इनिशियलाइजेशन हो रहा है और फिर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, डिराइव थ्री का बनाया और उसमें 90 पास कर दिया, डिराइव वन का टू का बनाया और उसमें 50, क्योंकि डिराइव टू और डिराइव थ्री यही दो क्लासे हैं जो लोअर लेवल की हैं, सबसे नीचे वाले लेवल के ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। इसको 90 पास होगा तो यहां जाएगा, इसको 55 जो भी पास किया है वो पास किया जाएगा तो यहां जाएगा। फिर क्या होगा कि डी टू डॉट शो होगा तो वो अब कैसे चलेगा कंस्ट्रक्टर, इसके ऊपर ध्यान देना है। मैंने इस प्रोग्राम को चलाया, इसमें एरर आनी शुरू हो गई। एक्चुअली जब तक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट होते हैं तो ऑटोमेटिक चलते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर में जब पैरामीटर पास हो जाते हैं तो बताना पड़ता है कि कहां क्या करना है। तो देखो मैं समझाता हूं इसको करने का तरीका, इसको चलाने का तरीका। बेस क्लास में तो बेस का कंस्ट्रक्टर है, नो टेंशन, लेकिन जिस समय पे क्लास डिराइव होती है तो उस समय पे उस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाने का तरीका होता है। डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में आप एक काम करेंगे, डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के आगे कोलन लगाएंगे और फिर बेस का जो भी उसकी बेस होगी उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करते हुए ऐसे लिख देंगे। बस इतना सा काम करना है, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना किसके द्वारा, डिराइव के द्वारा शुरू हो जाएगा। अब इसी काम को मैं फिर यहां भी करूंगा। ये इस समय पे इसकी इनहेरिटेंस किसके लिए हो रही है, बेस इनहेरिट हो रही है, तो यहां भी कोलन लगा के हम बेस ही लिखेंगे और बेस के अंदर सी लिखेंगे, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं मैं उसी को भेज रहा हूं और यहां पे फिर कोलन लगा के और यहां इनहेरिट कौन सी क्लास हो रही, डिराइव वन, तो यहां लिखा जाएगा डिराइव वन क्योंकि उसका कंस्ट्रक्टर चलाना है, डी पास कर दो इसमें।
बस इतना सा काम करना था। अब देखो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। जिस समय पे D3 डिराइव्ड क्लास 3 का ऑब्जेक्ट 90 के साथ बनाया, 90 आर्ग्यूमेंट पास किया, तो इसका देखो कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा। सबसे पहले डिराइव 3 में जाएगा और इसने ये D जो था 90 यहां भेज दिया। ये 90 अंदर जाने से पहले इसका डिराइव 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि 90 यहां जाएगा। अब फिर यहां से आप ऊपर जाओगे डिराइव 1 में और यहां क्या होगा, ये 90 यहां आएगा लेकिन ये अपने पिताजी को फिर से इज्जत देगा, मतलब बेस को चलाएगा। यहां पे क्या हुआ, बी मतलब आपने बी यानी कि 90 पास किया, फिर ये यहां से कहां जाएगा, यहां बेस में जाएगा और ये 90 एक्स की वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले तो x होगा 90, फिर ये लौट के वापस जब आएगा तो यहां y की वैल्यू होगी 90, फिर ये लौट के फिर नीचे जाएगा तो ये w की वैल्यू होगी 90। तो इस तरह से x y w ये तीन वैल्यूज 90 से इनिशियलाइज हुई। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, जब शो कॉल होगा तो शो कॉल होने पे हमने शो कॉल करना तो आपको बता ही रखा है, क्योंकि फंक्शन ओवरराइडिंग में कैसे कॉल होते, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आउटपुट में आएगी। ऐसे ही D2 का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो D2 ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा डिराइव 2 का, तो ये 50 किसको जाएगा, डिराइव 2 के कंस्ट्रक्टर को। डिराइव 2 का कंस्ट्रक्टर किसको भेज देगा, बेस के कंस्ट्रक्टर को। बेस का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले एक्स को 50 करेगा, फिर डिराइव 2 का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वाई को, एक्स वाई जेड, जेड को क्या करेगा, 50 इनिशियलाइज करेगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करके देखो, फिर बात करते हैं। देखो 90 90 90 xyw, जेड नहीं हुआ, एक्स जेड यहां होगा इसलिए। ठीक है, अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर कैसे चलाए जाते हैं। मैंने दोनों तरह के पैरामीटर केस लेके चल दिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो तो आप रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देखें। ठीक है, मैं मानता हूँ पक्का आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती फिर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगले वीडियो में मुझे लेके आना है डिस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस। ठीक है, तब तक के लिए विश यू गुड लक।